तो क्या अभी एक कर्ण फैन है, क्या आपको लगता है कि कर्ण के साथ अन्याय हुआ था, दानवीर कर्ण को क्या आप महान मानते हैं? तो ये आपके लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं, आप दूर हो जाओ भैया। क्योंकि आप देखिए आजकल सोशल मीडिया पे एक अलग ही लेवल का जो क्रेज़ मचा हुआ है कि लोगों को जो कर्ण के प्रति सिंपत्ति बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं कि दानवीर कर्ण अगर इसको छल से नहीं मारते तो अर्जुन कभी हरा नहीं पाता, अर्जुन जो छल से मारते हैं, दानवीर कर्ण महान था, इसके ये जो है धर्म के साथ था फिर भी अपने धर्म के निभाते हैं, फिर भी कृष्ण ने इसको मरवा दिया, कृष्ण ही बुरा था, कर्ण था, मतलब श्री कृष्ण तक को आप समझ सकते हो। एक बार अर्जुन को छोड़ो, हटाओ, समझ में आता है। पितामह भीष्म भी कहते हैं कि वो अर्जुन से महान योद्धा कोई नहीं है, लेकिन फिर भी हटाओ, चलो श्री कृष्ण तक को ये लोग गलत कहते हैं कि कर्ण का वध करा के उन्होंने गलत किया। तो सोच सकते हो आपकी लोगों की जो हिपोक्रेसी, जो लोगों की सोच की सीमा है वो कहाँ तक पहुँच चुकी। तो कर्ण को लेकर इतनी सिंपथी आखिर क्यों है? तो ये सब जो सीरियल्स वाले हैं, टीवी सीरियल्स वाले, उनका किया धरा है ये सब चीज़। क्योंकि देखिए महाभारत को अगर आपको समझना है, तो मेरा अगर सोर्स की बात करोगे, देखो आप महाभारत नहीं पढ़ सकते, तो कम से कम आपको ऐसा ट्रस्टिंग सोर्स आपको देखना पड़ेगा जिससे आपको सही ज्ञान मिले, उचित ज्ञान मिले। और ऐसा कौन मिलेगा? जिसने स्वयं संस्कृत में उस महाभारत का ज्ञान लिया हो, जिसने स्वयं संस्कृत में अध्ययन किया हो, ना कि ये फर्जी टीवी सीरियल देखे। क्योंकि देखो जैसे कि एक उदाहरण देता हूं आपको, एक तरफ है अक्षय गुप्ता, जिनको आप बहुत जानते होंगे, ट्रेंडिंग में आ रहे हैं हर पॉडकास्ट में, महाभारत के ऊपर ज्ञान दे रहे हैं, ये भाई आ रहे हैं, ठीक है, उनके पास ज्ञान है जितना वो टीवी सीरियल देखें, जितना भी वो पता होगा उनको, लेकिन हम ये नहीं कह रहे। मैं उनका एक पॉडकास्ट देखता हूं पंडित के साथ में, जहां पे वो महाभारत के बारे में बात करते, जहां वो बहुत सारी बात करते कि अर्जुन घमंडी है, कर्ण महान है, ऐसे वैसे, लेकिन वो एक बात क्यों नहीं बोलते कि द्रौपदी को किस प्रकार से वैश्य कहा गया था कर्ण के द्वारा, वो बहुत सारी चीजों को क्यों नहीं बोलते? वही बात है कि सत्य को बोल रहे तो पूरा सत्य बोलो ना भाई। और ये बताओ आपने महाभारत का अध्ययन किया है क्या, आपका सोर्स क्या है? तो मैं बताऊंगा, अगर आपको सच में महाभारत का ज्ञान लेना उचित तो आप अमी गणात्रा जी को सुनिए, क्योंकि वो जितना पॉडकास्ट की है रामायण पे महाभारत पे वो सभी मैंने देखे हैं, और मैंने अपने आप में स्वयं रिसर्च किया है कि जो जितने भी जो लोग बात कर रहे हैं वो कितना हद तक बात कर। क्योंकि देखिए आप बताइए कि ओरिजिनल ग्रंथ कौन सा, बी आर चोपड़ा की महाभारत या 2013-14 वाली महाभारत, या जो अभी भी आर अंगराज करने के ऊपर सूर्यपुत्र करने वो सीरियल है, फिर बाकी जो महाभारत कृष्ण है, ये असली हमारा सोर्स है वो कौन सा है? महाभारत वो है जो कि महाकवि महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा है, तो आप उसी को तो मानेंगे ना। तो इस वीडियो के लिए सोर्स के रूप में मैं अमी गणात्रा जी के बात को ही लेना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने जो है इसका अध्ययन किया संस्कृत में, शुद्ध संस्कृत में, और इसके अलावा रामायण का भी, तो रामायण का बात तो अलग है, लेकिन महाभारत में बात करें तो उन्होंने कहा है कि कर्ण से बड़ा विलन का कैरेक्टर कोई नहीं है महाभारत में। उन्होंने ये तक कहा कि शकुनी, जिसको जो अक्षत शर्मा अपने पॉडकास्ट में बोलते हैं कि ना कि शकुनी से बड़ा विलन कोई नहीं है, लेकिन आप देखिए अमी गणात्रा जी बताती है कि महाभारत उन्होंने स्वयं पढ़ा संस्कृत में, आप चाहे तो स्वयं आप जाके पढ़ सकते हैं कि शकुनी भी एक बार को जो दुर्योधन को समझाता है कि 5 गांव दे दो, जाओ कम से कम 5 गांव ही तो मांग रहे श्री कृष्ण, दे दो जाओ, लेकिन केवल कर्ण एक थे जो कि रोकते हैं किसको, दुर्योधन को, कि मैं अकेले अर्जुन को संभालूंगा, पांडव को मैं हरा दूंगा, तुम्हें कोई भी चीज़ अपने देने की आवश्यकता नहीं है। और ये सही बात है, ये तो सब लोग आप लोग भी मानेंगे जो कि कमेंट में गाली दे रहे होंगे कि दुर्योधन केवल एक पे विश्वास करता था, वो कर्ण, सत्य है, बिल्कुल सत्य है। तो कर्ण पे विश्वास करके वो युद्ध लड़ता है, जबकि दुर्योधन को यहाँ तक कि जो है पितामह भीष्म और गुरु और द्रोणाचार्य जो कि महानतम योद्धा थे, जिनको कोई नहीं हरा सकता था, कर्ण से बड़े योद्धा थे, उनके ऊपर भी विश्वास नहीं था, लेकिन कर्ण के ऊपर था। तो सोचिए आपका मित्र है जो कि लोग कहते हैं कि अपने मित्र के लिए बलिदान हो गया कर्ण धर्म के, तो आप ये बताइए मित्र कौन है आपको? अगर वो जो है आग में जाने से, अगर जो मित्र आपको प्रोत्साहित करे कि आप आग में जाओ आपको नहीं जलाएगा, तो ये मित्र है कि आपको जो है आग में जाने से बचाए, ये मित्र है, आप स्वयं बताइए। उसी प्रकार से अगर कर्ण धर्म का मार्ग जानता था, श्री कृष्ण को जानता था, तो उसने जो है दुर्योधन को संधि करने को क्यों नहीं कहा? और मैं ये टीवी सीरियल की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ओरिजिनल महाभारत जो कि महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखी गई है शुद्ध संस्कृत में, इसकी बात कर रहा हूं, ना कि बी आर चोपड़ा के महाभारत, ना कि जो है हम जो टीवी सीरियल देखते हैं उनमें, क्योंकि उसमें जो कर्ण को व्हाइट वॉश कर दिया गया है पूरी तरह से, क्योंकि कर्ण जो है वीरता की परिभाषा होता है, कर्णवीर था, हम नहीं कह रहे हैं कि कर्ण दानवीर नहीं था, लेकिन बात यह है कि अर्जुन से श्रेष्ठ उसको बता दिया जाता है, अर्जुन को घमंडी बताते हैं अक्षत गुप्ता जैसे लोग, ये अर्जुन घमंडी है। तो सोचिए घमंडी अगर वो होता तो अपने आप से अपने एज में जो बराबर था श्री कृष्ण, उनके ऊपर आप पूर्ण विश्वास कैसे करते? यहाँ तक कि धर्मराज युधिष्ठिर समेत पूरे पांडव जो श्री कृष्ण की आज्ञा लेते हैं, श्री कृष्ण जबकि उनके उनसे छोटे थे कई लोग से, अर्जुन के बराबर के थे, फिर भी अर्जुन अपने आप को उनके सामने समर्पण करते हैं, उनकी बात मानते हैं, वरना फिर आज के समय में अगर हमसे बड़ा भी कोई हमें ज्ञान दे तो हम बोलते हैं कि क्या ज्ञान दे रहा हूं भाई, दूसरे को जाके दो। इस प्रकार से जो है अर्जुन अपने आप को निछावर कर देते हैं, इतना फोकस करते हैं। और लोग ये भी कहते हैं जो एकलव्य थे उनका जो है अंगूठा द्रोणाचार्य ने इसीलिए कटवाया था कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ बन सके। अच्छा सच में इसलिए? तो आप ये बताइए मुझे, अर्जुन को जो है द्रोणाचार्य जो है अश्वत्थामा से भी श्रेष्ठ बनाते हैं जो कि उनके स्वयं के पुत्र थे। तो सोचिए आप अर्जुन को क्या वो अपने पुत्र श्रेष्ठ बनाते? आप स्वयं सोचिए, कोई भी पिता अपने पुत्र से श्रेष्ठ किसी को नहीं देखना चाहेगा, लेकिन अर्जुन अपने आप पे फोकस करके, अपने आप में जो प्रैक्टिस करके, रात रात में तीर चला के अपना निशाना, अपना लक्ष्य साध के, वो
जो है अपने आप में ही जो है महानतम धनुर्धर बनते हैं। हालांकि कई प्रसंग में आता है महाभारत को उनको घमंड था, लेकिन उनका घमंड कौन तोड़ता है? हनुमान जी आके तोड़ते हैं। तो इस प्रकार से जो है घमंड हर एक व्यक्ति के किरदार में होता है, लेकिन इस प्रकार से कहना कि कर्ण और अर्जुन के रथ के आगे पीछे जाने की तुलना करना, तो ये बिल्कुल गलत है। मैं बता रहा हूँ, मैं भी यही मानता था, मेरे को भी लगता था, क्योंकि बी आर चोपड़ा का महाभारत हम बचपन से देखते आ रहे हैं, मुझे तो लगता था कि कर्ण के साथ गद्दारी हुआ, अर्जुन को क्यों इतना श्रेष्ठ बताया गया। और ऐसे भी मेरे मन में उनके प्रति भावना इसी प्रकट हुई, क्योंकि हमारे जो पंकज धीर का जो कैरेक्टर जो कर्ण प्ले करते हैं, सच में लगता है कि उसमें मतलब वो हिंदुत्ववादी हैं इस प्रकार से, और फिरोज खान जी को अर्जुन का रोल मिला है, तो इस प्रकार से हम जो है पंकज धीर से ज़्यादा कनेक्ट फील करते ही हैं। लेकिन वही बात है, जब मैंने अमीर गणाता जी के रिसर्च के ऊपर बात सुना, मैंने उनके बारे में देखा, तो मुझे सच में लगा कि सच में जो है सच्चाई को सामने चाहिए। क्योंकि देखिए आजकल टीवी सीरियल में घुमा फिरा के कुछ भी दिखा दे रहे हैं, जहां जरासंध और कर्ण के युद्ध की बात हो रही है और बोल रहे हैं कि कोई महाभारत में इसका वर्णन है, तो इसका वर्णन है तो इसके बारे में लोग बात क्यों नहीं करते हैं? ये कहां पे है भाई? हमने तो आज तक नहीं सुना कि कहां पे है ये बात। और जब से ये जो है सुपर हीरोज में एंटी हीरो का जो कल्चर आया, तब से जो है कर्ण के प्रति लोगों की सिंपति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन ये वही कर्ण है जिसने जो है द्रौपदी माता को वैश्या कहा था, और ये वही कर्ण है जो कि गंधर्व से युद्ध में भाग गया था, और ये वही कर्ण है जिसको जो है गुरु दक्षिणा में जब जो है द्रोणाचार्य जो है दुर्योधन से कहते हैं कि द्रुपद को हरा के आता, कर्ण भी साथ में जाता है, लेकिन वो हार के आते हैं और पांडव जाते हैं, अर्जुन जो है सबके सब मिलकर जो है द्रुपद को जो है बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, और बंदी बनाकर द्रोणाचार्य का जो है उनके अपमान का बदला फिर से लिया जाता है। तो इस प्रकार से लोग भी ये कहते हैं कि द्रुपद भी तो घमंडी था, क्योंकि उसने अर्जुन का साथ दिया, जबकि उसने जो है उसी को बंदी बनाया। लेकिन द्रुपद इसलिए अर्जुन का साथ देते क्योंकि श्री कृष्ण उनके साथ थे, और श्री कृष्ण धर्म के प्रतीक है, ये सभी जानते हैं। जो महानतम चरित्र हुए महाभारत में, आप स्वयं उठा के देख लीजिए, सीरियल्स में ही देख लीजिए, तो जो महानतम चरित्र महाभारत में जो कि समझते थे धर्म अधर्म का परिभाषा, वो श्री कृष्ण को पहचानते थे कि वो कौन है। इसीलिए युधिष्ठिर भी जो है इतने बड़े थे धर्मराज थे, फिर भी वो किसकी ओर देखते थे? श्री कृष्ण की ओर देखते थे। वो झूठ बोलने को बोले तो भी झूठ बोलते थे, क्योंकि श्री कृष्ण ही जानते हैं कि धर्म का प्रतीक क्या है। क्योंकि धर्म जो हम एक शब्द में बना लेते हैं ये धर्म है, तो ये धर्म नहीं होता। धर्म का प्रतिरूप अलग अलग मूल्यों में अलग अलग परिस्थितियों में अलग होता है, और यही जो श्री कृष्ण समझाना भी चाहते हैं पितामह भीष्म को भी, क्योंकि भीष्म जो प्रतिज्ञा लेके बैठे होते हैं वो जड़त्व की सद्भावना से वो प्रतिज्ञा लेके बैठे होते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जो है अपना हथियार उठा के अपना अस्त्र उठा के भीष्म की ओर डरते हैं, और ये बताते हैं वहां पे कि किस प्रकार से प्रतिज्ञा जो है धर्म से बड़ी नहीं। अगर धर्म रक्षा की बात हो तो आप कौन से प्रतिज्ञा के पीछे पड़े हैं भाई? आप देख रहे हैं कुरुवंश का संहार हो रहा है, लेकिन पितामह भीष्म अपने केवल एक प्रतिज्ञा के प्रति बड़े हैं, अर्थात स्वयं की निजी एक प्रतिज्ञा जो है पूरे कुरुवंश का नाश कर दे, सर्वनाश कर दे, तो ये उचित नहीं, ये श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं वहाँ पे। तो यही बात है, बहुत सारे लोगों के बीच में भ्रांतियाँ रहती हैं जो कि सीरियल्स को देख के जो है गलत उद्देश्य निकाल लेते हैं, गलत मतलब निकाल लेते हैं। तो क्या आप ही कर्ण भक्त हो? कमेंट जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, जो कमेंट करना है बिल्कुल करो भाई साहब, और आपके इसके बारे में क्या मत है, कौन से आप मत से मेरे सहमत तो नहीं हो, कमेंट से बताइए। जय श्री राम, हर हर महादेव।